से आए हैं अबम जी? गाजीपुर जिला। कैसा हाँ। लगा आपको ये सेवा शिविर? अरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अरे खाना खूब अच्छा अच्छा लग रहा है। खाना लोग जो आते हैं यहाँ पर लिखते हैं सुधा पुस्तिका में कि हमने यहाँ पर स्वर्ग का दर्शन किए हैं। पैर में छल्ला उल्ला हो जाता है, उसके लिए बैंडेज करना होता है और कोई बम आवे तो आराम से 2 घंटा सो सके और इत्मीनान से बाबा के दर्शन करे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीवी सिन्हा ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ की। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी मैं कांवड़िया पथ पर ही हूँ और देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कांवड़ यात्रा अभी हो रहा है। देख सकते हैं कांवड़िया पथ पर बहुत ज्यादा संख्या में अभी आपको कांवड़ यात्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं मेरे पीछे इस प्रकार से। और अभी जो है दूसरा पक्ष सावन का आने वाला है और ऐसे में जो है बहुत सारे नए नए शिविर भी जो है कांवड़िया पथ पर निःशुल्क सेवा जो है शिविर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही अभी मुझे यहाँ पर जो एक शिविर देखने को मिला है, तो चलिए जानते हैं शिविर में क्या क्या सुविधाएं जो है बम को मिलेंगी। कांवड़िया यात्रा जो यहाँ पर कर रहे हैं उनके लिए सब जो निःशुल्क सेवाएं जो है कांवड़िया पथ पर बनाए जा रहे हैं। सावन के दूसरा पक्ष आने वाला है, इसके लिए बहुत सारे नए शिविर जो है बनाए जा रहे हैं, तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ये जो है शिविर आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से कांवड़िया पथ पर बाबा बैद्यनाथ भास्कर सेवा समिति जो है निःशुल्क सेवा शिविर जो है यहाँ पर लगाया गया है। सामने में आप देख सकते हैं काउंटर जो है लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, चाय के लिए स्टॉल लगा हुआ है और बाकी क्या क्या अंदर में सुविधा जो है यहाँ पर मिलेगी वो सब आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं शिविर में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कांवड़ स्टैंड भी यहाँ पर जो है बना हुआ है शिविर के बाहर और इस प्रकार से कांवड़ यात्री जो है यहाँ पर कांवड़ रख के आराम से आराम कर सकते हैं। देखिए उधर से बम लोग आ भी रहे हैं और पूरा इस तरीके से स्टैंड बना हुआ है। देखिए शिविर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बम जो है अंदर में है। चलिए अब अंदर चलते हैं। शिविर में जो है स्पेस बहुत अच्छा है और जगह जगह आप देख सकते हैं कि बम लोग आराम भी कर रहे हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा जगह जो है आराम करने के लिए इस प्रकार से बना हुआ है। और सबसे पहले जो है यहाँ पर मंदिर भी है जहाँ पर जो है पूजा कर सकते हैं। सुबह शाम की यहाँ पर पूजा होती है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सब कुछ यहाँ पर मंदिर में बना हुआ है। धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा भी करते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से सबसे पहले जो है भोलेनाथ का जो है दर्शन कीजिए मंदिर में और उसके बाद जो इधर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम का भी जो है व्यवस्था है। शाम को यहाँ पर जो है प्रोग्राम होता है। देखिए यहाँ पर स्टेज बना हुआ है तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर होता है शाम के बाद। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का जो है व्यवस्था है पूरा मैं आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। और इस साइड आप देख सकते हैं कि इधर भोजनालय का जो है एक अलग स्पेस इसमें बना हुआ है। ठीक है, इधर जो है भोजनालय का जो है भोजन के लिए बना हुआ है इस प्रकार से, जहाँ पर यहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कुछ बम लोग यहाँ पर जो है खाना खा भी रहे हैं और इस प्रकार से इधर बनने का है, खाना बनने का है। और इधर जो है टेबल कुर्सी लगा हुआ है बम लोगों के लिए, तो ये अलग स्पेस जो है इतना बना हुआ है खाने पीने के लिए, कवरियों के लिए। आप देख सकते हैं कुछ बम यहाँ पर बैठे हुए भी हैं खाने पर, देख सकते हैं। और यहाँ पर दीपक अभी कुछ बम जी अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं और महिला बम भी है। कैसा लग रहा है? अभी खाना शुरू नहीं किए हैं, कैसा लग रहा है खाना? खाना बढ़िया है। आप कहाँ से आए बम जी? गाजीपुर जिला। और कैसा लगा यहाँ का निःशुल्क सेवा? सब ओके है। अच्छा है, ओके। कितने देर से आप लोग यहाँ पर हैं? अभी तो हम लोग 15-20 मिनट हो गया। 15-20 मिनट। ओके ओके। अरे खाना खूब अच्छा अच्छा लग रहा है, खाना खूब अच्छा अच्छा बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों की भीड़ अच्छा हो गया है। बम लोग जो है यहाँ पर कुछ लोग निकल रहे हैं खाना खाकर और कुछ लोग अभी जो आप देख सकते हैं कि बम लोग यहाँ पर खाने के लिए आ भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा सेवा है यहाँ पर। और रात के खाने में आप लोग क्या दे रहे हैं? कचौड़ी सब्जी है, रोटी सादा है, चावल दाल सब्जी है, बुनिया है। सुबह में नाश्ते में भी कुछ देते हैं? हाँ, सुबह मिलता है सो कचौड़ी सब्जी, अच्छा, चटनी, अच्छा, उसके बाद जलेबी, ये मिलता है। अच्छा है नाश्ता खाना और रात का खाना। ठीक है, इस प्रकार से 5 बजे तो अति मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, चूड़ा भुजा हुआ, कभी मुड़ी कचड़ी, ऐसे मिलता है शाम के लिए भी, स्नैक्स जैसा मतलब मिलता है। चलिए बहुत अच्छी सुविधा है खाने पीने का यहाँ पर। बम के लिए सिंघाड़ा का हलवा, बादाम, जो फलाहारी पकौड़ा है, मतलब बिना नमक का सिंघा नमक है, यही मिलता है। हम लोग सेवादार हैं यहाँ का। अच्छा, आप लोग सब मिलके करते हैं।
समस्तीपुर से हम लोग यहाँ और बाहर में नींबू चाय दूर चाय है, शरबत है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, मसाज का व्यवस्था है, निःशुल्क चिकित्सा है और यहाँ पर जो है पंडाल के अंदर में भी विश्राम की व्यवस्था है और भजन की भी अच्छा व्यवस्था है। अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। अभी शैलेश दुबे जी हैं, कुंदन मिश्रा जी हैं और अभिमन्यु सिंह क्रांति जी हैं और भी आने वाले हैं। चौधरी आए थे। हाँ, इतने सारे कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। रात में वृंदावन का भजन होता है, रासलीला भी यहाँ पर, रात के रात रासलीला भी यहाँ पर हो रहा है। अभी कब तक चलेगा ये यहाँ पर शिविर है? 28 तारीख तक चलेगा। 28 तारीख तक चलेगा। अच्छा, 28 तारीख तक। 28 तारीख तक जो है आपको ये सेवा शिविर में यहाँ आपको निःशुल्क सेवा मिलेगा, ये सारा कुछ जैसे इन लोगों ने बताया। यह जो शिविर है यह एक स्वर्ग की भांति है। यहाँ पर स्वर्ग बम लोग जो आते हैं यहाँ पर लिखते हैं सुझा पुस्तिका में कि हमने यहाँ पर स्वर्ग का दर्शन किए हैं। हाँ, ऐसा हमको मान ससुराल में भी नहीं होता है। अच्छा। ऐसा लिख कर गए हैं सुझा पुस्तिका में, एकदम निशुल्क सुविधा है, एक रुपया कोई नहीं लेता है। 13 साल से। और यहाँ पर एक स्पेस यहाँ पर जो है बम लोगों के लिए थकान मिटाने के लिए जो है ये स्पेस छोटा सा डिस्पेंसरी बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बम लोगों की जो है सेवा कर रहे हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से मसाज हो रहा है उनका, तो उनके थकान जो है दूर किया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल भी रखा हुआ है। और क्या क्या यहाँ पर देते हैं? तेल दर्द का, मतलब जैसे पैर में छल्ला उल्ला हो जाता है उसके लिए बैंडेज करना होता है और दर्द के लिए दवा दिया जाता है। जैसे किसी को फीवर आ गया तो उसके लिए भी है। और चाय नाश्ता और खाना का भी व्यवस्था है, रात में सोने का भी व्यवस्था है। हाँ, फीवर के लिए जो दवा आती है वो दे रहे हैं। वाइब्रेटिंग मशीन भी है तो उनका जो इस प्रकार से वो पूरा शरीर का जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है इस मशीन से, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बम उस पर चढ़ के अपनी थकान मिटा रहे हैं। इस प्रकार से दो मशीन उधर लगा हुआ है। हम यहाँ शिविर में हैं, सेवक है शिविर के। हम दूसरा करते तो देख रहे हैं कि अभी जरा सा हमारा भी दूसरा का सेवा कर करते हमको दर्द हो गया, समझ गए। और यहाँ ज्योतिरा मेडिकल के है, आँख का ड्रॉप हो गया, मसाज के हो गया, तेल हो गया और गैस के दवा हुआ, पेट का दर्द, यानी जो मेडिकल में सुविधा छोटा मोटा सब उपलब्ध है। जो अभी रनिंग स्थिति है ये सब उपलब्ध है। और बम के विशेष सुविधा हम लोग खाना पर विशेष देते हैं, सोने ओढ़ने के लिए देते हैं, सफाई पर ध्यान देते हैं ताकि कोई बम आवे तो आराम से 2 घंटा सो सके और इत्मीनान से बाबा के दर्शन करे। कैसा लग रहा है बम? अच्छा लग रहा है। कितनी देर से हैं आप लोग यहाँ पे? अभी तो आधा घंटा हुआ है। यहाँ का खाना वगैरह भी? हाँ, खाई है। अच्छा, खा ली? हाँ, खा ली। चाय पानी लिए? हाँ, चाय पानी सब हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा, खाना अच्छा। अभी यहाँ पर रुकने का है कि आप लोग? रुकना है। और जलार्पण करने के लिए कब आप लोग करेंगे? कल रात में 10 बजे। रात में? हाँ, रात में यहाँ से निकलिएगा। हाँ, आज रात में। हाँ, नाच बजा होगा। अच्छा, तब निकलेंगे। सब देख के निकलेंगे। हाँ, ठीक है, फिर रात में चलिएगा। नहीं, अभी आराम कर रहे हैं। हाँ, अभी आराम कर। यहाँ तक का सफर कैसा रहा? अच्छा था। हाँ, पहली बार आ रहे हैं? नहीं, दो बार। हाँ, तीसरा बार है ये? नहीं नहीं, दूसरा बार है। दूसरा बार? हाँ। तो पहले की अपेक्षा आपको इस साल कैसा लगा? आपको अच्छा था? और ये सेवा शिविर जो है आपको कैसा लगा? बढ़िया था। व्यवस्था अच्छा है? हाँ, अच्छा। 2022 में भी यहीं पर रुके थे। यहाँ पर? हाँ, अच्छा था। हाँ, चलिए, आप लोग सब महिला बम एक साथ हैं? हाँ, कहाँ से? बक्सर जिला से आए हैं। बक्सर जिला से। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोल बम, हर हर महादेव, बोल बम, हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं आप बम जी? गाजीपुर जिला। कैसा लगा आपको ये सेवा शिविर? अरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कितना देर से यहाँ पर रुके हैं? अब यहाँ से रुकेंगे। कितना देर रुके हुए हुआ? कितना देर से यहाँ पर हैं आप? यहाँ पर रुकेंगे 12 बजे रात में। रुकिएगा जी। खाना वगैरह खाए? हाँ जी, खाएंगे ना, फ्री सेवा ना है। कैसा लगा खाना? अरे बहुत बढ़िया लगेगा। तो बम जी बहुत खुश हैं क्योंकि इनको खाना बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत। और भजन कीर्तन सुन के जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जी जी, तो बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। आप कहाँ से? हाँ, हम बक्सर जिला से। सब बक्सर जिला के हैं? आप सब एक साथ हैं? सब एक ही साथ हैं? गाजीपुर जिला के। चलिए एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोल बम। देखते देखते यहाँ पर जो है बम लोगों का भीड़ है जो है शिविर में, देख सकते हैं कितना भर गया है। और बहुत सारे बम अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे जगह जगह, देख सकते हैं पूरा बम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सब बहुत खुश है, प्रसन्न है यहाँ के सेवा से। बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार से उनको निःशुल्क सेवा यहाँ पर जो है कांवरिया पथ पर जो की मिल रहा है, आप देख सकते हैं।
कांवरिया पथ पर जो है निःशुल्क सेवा शिविर बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा जो है मिल रही है कांवरियों को निःशुल्क, और ये जो है सरासनी में है। अगर आप लोग कांवर यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर अवश्य पधारे। अगर निःशुल्क सेवा आप लोग लेना चाहते हैं तो इस शिविर में एक बार अवश्य पधारे, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो है सावन का दूसरा पक्ष, ये सावन आने वाला है और अभी फिलहाल ये शुरू हुआ है और 28 अगस्त तक यहाँ जो है सेवा आपको मिलेगी। चलिए, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और ये शिविर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।